आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है कि शबाना जी के साथ आपकी दोस्ती इतनी है कि वो आपकी शादी को भी अफेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ आपने कहा था। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरी जिंदगी में दो औरतें हैं जिनसे मेरे बहुत ही अच्छे रिलेशन है, एक का शादी कुछ नहीं बिगाड़ सकी और दूसरे का डिवोर्स कोई नहीं बिगाड़ सकी। तो आई एम वेरी वेरी फ्रेंडली विद हनी एंड ऑफिस ली, जहाँ तक शबाना है शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। और अल्टीमेटली अगर मैं किसी की राय पे जब मैं परेशानी में होता हूँ भरोसा करूँगा तो मैं शबाना ही से राय लूंगा। एक सक्सेसफुल मैरिज का क्या ऐसे रेसिपी है? मेरा ख्याल सिंपल बात ये, आप वर्ड शादी हटा दीजिए, थिंक ऑफ टू पीपल, टू फ्रेंड्स, टू ब्रदर्स, टू सिस्टर्स, अ मैन एंड अ वूमन। अगर वो सेक्रीफाइस करके आपसे निभा रहा है तो खुश तो कहीं नहीं हो, भले ऊपर से कुछ भी कहता रहे। एब्सोल्युटली, अगर हम ये मान लें कि नन ऑफ अस इज सन एंड नो वन एल्स इज अ प्लैनेट, ये जो हमारी जिंदगी में है उसको भी ड्रीम पे, लिबर्टी पे, ओपिनियन पे, करियर पे उतना ही राइट है जितना मुझे आपको सही। और उसकी कुछ बातें तो आपको 100% खराब लगेगी, तो आपको झेलना पड़ेगा, इसलिए कि आप भी बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं जो उसे बुरी लगेगी। वो झेलने का रीजन क्या होगा? बिकॉज़ झेलने का रीजन ये होगा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये भी झेल रही है। हाँ, a lot should be in common, वरना आप हैंगे क्यों इसके साथ? सही बात। और वो है क्यों आपके साथ? जी। आपकी जो जनरेशन की ईगो है, मेल ईगो, उसको हर्ट करती है इक्वालिटी। बट यू हैव टू टेक अ हम्बल पाय, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू सेक्रीफाइस दैट। और ये मैं बिल्कुल आपको बता दूं, लिविंग विद एन इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग माइंडेड वूमन इज नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस। एब्सोल्युटली, तकलीफ दे है, कहीं आपको पुश भी करना पड़ेगा, मगर पुश आप इक्वल को कर रहे हैं, इंफीरियर को नहीं कर रहे। भाई मेरा एक दोस्त है, हम इक्वल है, एक दिन वो ऐसी बात कर रहा है जो नहीं करनी, देखो भाई ये बात गलत है, ये मैं नहीं टॉलरेट करूँ, आप उससे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देख ये नहीं चलेगा, वो आप उससे भी कह सकते हैं, मगर ये कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हस्बैंड से बात कर रही हो, ये नहीं होना। राइट,